हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी स्टूडेंट अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, आप लोगों का एक लेक्चर हो चुका है, आज हमारा दूसरा लेक्चर होने वाला है। इस लेक्चर में हम आप लोगों से जैसा कि बात कर रहे थे, नंबर सिस्टम आप लोगों का चैप्टर चल रहा था दोस्तों, और इसमें हम आप लोगों से एक कन्वर्जन की बात कर चुके हैं। कन्वर्जन मतलब होता है रूपांतरण, ठीक है। जैसे दोस्तों एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाता है बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करिए, जो बाइनरी नंबर दिया रहेगा और डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा दोस्तों, तो ये कैसे आप लोग कर पाएंगे ये आज के सेशन में हम बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, दिया कैसे रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं कि जैसे आपके एग्ज़ाम में कैसे आएगा ये आप लोगों को इसमें किसी प्रकार की थ्योरी लिखने को नहीं आती है, लेकिन आप लोगों को इसमें से कन्वर्जन करने को ज़रूर आता है। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा दोस्तों, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। जैसे मैं बोलूँ दोस्तों, बाइनरी नंबर कुछ दिया रहेगा, जैसे मैं बाइनरी को बोला था 0 और 1 से रिप्रेजेंट किया जाएगा, केवल 0 और 1 ही जो होगा वही बाइनरी नंबर होगा, ठीक है। अब दोस्तों 0 यहाँ पे हम ले लेते हैं, कोई भी बाइनरी नंबर ले लेते हैं, जैसे 1001, ऐसे कोई मतलब कि ये नहीं है कि यही हमारा जो नंबर बोल रहा हूँ यही एग्ज़ाम में आएगा, नहीं दोस्तों। यहाँ पे बाइनरी का बेस जो होता है 2 होता है, और एग्ज़ाम में आप लोगों से क्वेश्चन कैसे यहाँ पे 10 बेस पूछ लेगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा ये पूछ लेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको हमें कैसे सॉल्व करना होता है दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है, तो दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक की मदद से आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे ये बाइनरी है, मैं बोल दे रहा हूँ ये डेसीमल है, ठीक है। जब मैं बोलूँ कि बाइनरी से डेसीमल में जाएंगे तो आप लोग गुणा करेंगे, क्या करेंगे, हाँ गुणा करेंगे, और जब डेसिमल से बाइनरी में आएंगे दोस्तों तो क्या करना था, हमें भाग करना था, जैसा कि आप लोगों ने किया होगा, ठीक है। तो आई होप ये बात ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलिए मैं एक बार फिर से इसको क्या कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ कि क्या क्या करना है आप लोगों को, ठीक है। जैसे मैंने बोला दोस्तों कि अगर हमें बाइनरी से डेसिमल में जाना है, यानी बाइनरी से डेसिमल में जाना है, तो हमें गुणा करना होगा। वही सेम फंडा हमारा होगा, अगर हम डेसिमल से बाइनरी में जाते हैं तो हमें दोस्तों भाग करना होगा, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, छोटा सा रिस्ट्रक्शन है या फिर बोल सकते हैं छोटा सा पॉइंट है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व लिख लेना है, एग्जाम में भी ऐसे ही करिएगा। आप लोगों को अच्छा नंबर लेना है दोस्तों, तो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को करना होगा, ठीक है। लिखिएगा 0101 है, ठीक है, यहाँ पे हमें ऐसे लिखना होगा और इसका कुछ इस प्रकार से आप लोगों को कर लेना है, ठीक है। तो दोस्तों ये इस प्रकार से लिखने का एक सिंपल सा मोटो ये रहता है कि आप लोगों को ये चीज़ें जो है समझ में आनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब दोस्त यहाँ से हमें नंबरिंग करना होता है, नंबरिंग हम अपने बाएं साइड से करेंगे, सॉरी दाएं साइड से करेंगे, ठीक है। अब दाएं से हम बाएं जाएंगे, ठीक है, इधर से हमें इधर से इधर जाना होगा, ठीक। चलिए यहाँ से हमें पहले नंबरिंग जो होती है दोस्तों, ये हमें 0 से स्टार्ट करनी होती है, किसने से, 0 से। 0 लिखिए, 1 लिखिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए, 4 लिखिए, ठीक है। ये नंबरिंग हमने किस तरफ से किस तरफ किया दोस्तों, कुछ हमने इस तरफ से किया है नंबरिंग अपनी, ठीक है दोस्त। अब इसको लिखना कैसे होता है मैं इसको बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है दोस्त। इसको हमारा सॉल्व करने का तरीका होता है 2 के घाते हम कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे, ठीक है, और गुणा कितने का कर देंगे, 1 का कर देंगे, ये जो है इसका मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। प्लस का चिन्ह लगाएंगे दोस्तों, जो भी यहाँ पे घात में है ऊपर जो लिखा है वो हम 2 के ऊपर रखेंगे, ठीक है। घात जो यहाँ पे हमने नंबरिंग किया है इसको हम 2 के ऊपर रखेंगे, तो 2 के ऊपर हम क्या रखेंगे दोस्तों, 3 रखेंगे। गुणा किसका करेंगे, 0 का करेंगे सर, प्लस करिए सर। चलिए अब दूसरा क्या है दोस्त, यहाँ पे 2 है हमारा बेस, ठीक है, हमें ये एक एक करके सबको लिखना होता है, ठीक है। अब 2 लिखेंगे दोस्तों, 2 के ऊपर कितना घात करेंगे, हमने 3 तो कर दिया, अब 2 को कर लीजिए, ठीक है, 2 कर लीजिए। गुणा कितने का करना है, 1 का गुणा करना है, ठीक, प्लस करिए। अब दोस्त यहाँ पे क्या है, हमें 2 के घात कितना लिखना है, 1 लिखना है, 2 के घात हमने 1 लिखा, गुणा कितने का करना है, 0 का, हमने 0 गुणा कर दिया, ठीक है भाई। चलिए प्लस करिए। अब दोस्तों प्लस करने में क्या होगा कि यहाँ पे हम लिखेंगे 2 के घात कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इनटू का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कम्प्लीटली ये दोस्तों हमारा क्या हो गया, सोल्यूशन हो चुका है। बस अब इसे हमें 2 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, 3 में 4 में पढ़ा होगा गुणा, गुणा तो आप लोग सभी स्टूडेंट जानते होंगे, छोटा सा एक चीज़ होगा जो कि यही हमें थोड़ा सा लगता है किसी भी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न में आ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसको हमारा बहुत ही सिंपल है, 2 दूना 4, 4 बार कर लीजिए, 2 दूना 4, 2 दूना 8, 2 दूना 16 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, 16 का गुणा 1 में करेंगे तो 16 ही हो जाएगा, प्लस करिए। 2 दूना 4, 2 दूना 8, 8 का गुणा 0 में करेंगे दोस्तों तो 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे 2 दूना
चार, चार में एक का गुणा करेंगे तो चार ही होगा, ठीक है प्लस। अब दोस्त यहाँ पे हमें क्या है, दो का एक का गुणा करेंगे तो दो ही होगा, इंटू जीरो कर देंगे तो यहाँ पे हमारा जीरो हो जाएगा, प्लस करिए। दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा अपने हाई स्कूल में या फिर इंटर में पढ़ा होगा आप लोगों ने, यदि किसी संख्या की, यदि किसी संख्या के घात पे जीरो है, यानी किसी संख्या के ऊपर घात जीरो है, तो उसका मान क्या होता है, वन होता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, किसी संख्या के किसी संख्या के किसी संख्या के ऊपर, यहाँ पे लिखेंगे किसी संख्या के ऊपर घात जीरो है तो उसका मान सदैव कितना होगा दोस्तों, सदैव मैं बोल रहा हूँ सदैव, अरे यार गलत हो जा रहा है, सदैव एक होगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे दोस्तों, ये कई बार आप लोगों से हर एक कन्वर्जन में आएगा, जब भी हम बात करेंगे दोस्तों, जैसे हम ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तब भी हमें ध्यान रखना होगा, जीरो आप लोगों के एग्जाम में आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों इस प्रकार से दिया जाता है, जीरो रहेगा तो आप लोगों को हर एक क्वेश्चन में ये मदद करेगा दोस्तों, इस बात को ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट होगी कि किसी संख्या के ऊपर घात जीरो है तो उसका मान कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो फाइनली स्टूडेंट्स अब बोल दीजिए इसका मान कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, यानी दो के ऊपर घात जीरो है दोस्तों, तो हमारा मान कितना हो जाएगा इसका, टोटली इसका मान वन हो जाएगा, वन, और वन में वन का गुणा कर देंगे तो वन ही हो जाएगा। तो चलिए दोस्त इसको जोड़ दीजिए, टोटली कितना हो जाएगा, सोलह चार बीस और एक इक्कीस हो जाएगा, और इक्कीस हमें लिखने का ढंग क्या होगा, ये हमारा आ जाएगा डेसीमल में। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं दो आ गया यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा बाइनरी नहीं रह गया, यानी बाइनरी होता तो केवल हमारा वन और जीरो के फॉर्म में ही होता, ठीक है। तो फाइनली स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा फाइनली आंसर हो जाता है, ठीक है। तो चलिए आई होप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा कि हमारा कैसे आ रहा है आंसर, ठीक है। चलिए तो दोस्तों ये वाला कन्वर्जन जो होगा, आई होप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम कन्वर्जन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन आप लोग नोट्स कर सकते हैं यहाँ से, क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी प्रकार से आप लोगों को एग्जाम में आएगा, ठीक है। जैसे मैं बोल सकता हूँ जीरो वन जीरो वन वन, अब यहाँ पे मैंने बाइनरी नंबर टू लिखा, डेसिमल में हमें कन्वर्ट करना है तो इसका आंसर कितना आएगा, आई होप सभी स्टूडेंट्स अब कर लेंगे। तो दोस्त पहले हमें क्या लिखना है, सॉल्व लिखना है, यहाँ पे हम सॉल्व लिखेंगे और उसके बाद हमें क्या लिखना होता है, जो हमारा क्वेश्चन में दिया रहता है उसको पहले लिख लेना है, ठीक है। अब दोस्त यहाँ पे थोड़ा बहुत गलती मत कर दीजिएगा कि यहाँ से ही हम गलती स्टार्ट कर दें अपने, ठीक है। दोस्तों यहीं से गलती हमारी स्टार्ट हो जाती है, कहीं ना कहीं यहीं पे स्टूडेंट्स क्या करता है, गलती करना स्टार्ट करता है। दोस्त यहाँ पे क्या करेंगे, ये नंबर ही लिखने में आप लोग कभी गलती मत करिएगा, यहीं गलती होती है और कहीं गलती नहीं होगी आप लोगों से, ये मेरा वादा है। तो दोस्तों नंबरिंग हमें स्टार्ट करना है, पहले आप लोगों को जीरो लिखना है, फिर वन लिखना है, फिर टू लिखना है, फिर थ्री लिखना है, फिर हमें फोर लिखना है, ठीक है। तो शायद इतना ही है, नहीं भाई यहाँ सर है, चलिए यहाँ का हम लिख देते हैं भाई, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे थ्री था, अब यहाँ पे हमारा फोर हो जाएगा, सर ए वाला तो है फोर, और ए कितना हो जाएगा, फाइव हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली हमने क्या कर लिया दोस्तों, नंबरिंग कर लिया है, आप लोगों को एग्जाम में ऐसे कर लेना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप लोग ऐसे भी करके करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपने रफ कॉपी पे मतलब एक लाइन थोड़ा सा हल कर लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों इसको लिखने का जो ढंग था मैंने आप लोगों को बता ही रखा है कि दो के घात लिखते चले जाइए, दो के घात पाँच हो जाएगा, गुणा कर देंगे एक का, एक कर दीजिए प्लस। दोस्तों यहाँ पे मैं कर क्या रहा हूँ उसको समझिएगा आप, जो भी यहाँ पे हमने बोला कि जो भी ये ऊपर वाले होंगे, जो टर्म हमारे ऊपर वाले होंगे, यानी जिसको हम कंसीडर करेंगे, यानी हम जीरो नंबरिंग करेंगे, उसको हम दो के घात के ऊपर रखेंगे, यानी जो बेस है उसी के ऊपर हम रख देंगे, ठीक है। तो चलिए भाई अब यहाँ से हम बात करते हैं, तो यहाँ पे वन हो गया, चार को लीजिए, दो के घात चार कर दीजिए, गुणा कितने का कर देंगे, जीरो इस वाले का, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ वाले इस पे आ जाइए, तीन वाले पे आ जाइए, तो प्लस करिए, दो के घात तीन कर दीजिए, इंटू कितने का करेंगे, वन का करेंगे। तो चलिए भाई यहाँ से हमारा ए भी फाइनल हो गया, अब मैं चलता हूँ इस वाले पे, ठीक है। तो प्लस करिए, टू के ऊपर कितना घात लिखेंगे, टू के ऊपर दो लिखेंगे भाई, दो के ऊपर दो, गुणा कितने का करेंगे, जो जीरो का कर देंगे, प्लस करिए। अब दोस्त यहाँ पे एक दिन ध्यान रखना है कि दो के घात हमें कितना करना है, वन करना है, और इनटू वन कर लेना है, ठीक है, क्योंकि वन यहाँ पे है हमारा, ठीक। प्लस करिए भाई, अब यहाँ पे हमारा कितना है, दो है, दो के घात कितना हो जाएगा, जीरो, इनटू का कितना है देख सकते हैं यहाँ पे,
वन है, ठीक है। तो फाइनली ये भी हमारा दोस्तों कंप्लीट हुआ। तो इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो इसका पूरा सोल्यूशन कितना आ जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे पांच बार गुणा करके भी देख सकते हैं, दो दूना चार दूना आठ दूना सोलह दूना बत्तीस, बत्तीस हो जाएगा। बत्तीस में एक का गुणा करेंगे तो बत्तीस ही होगा। प्लस दोस्तों यहाँ पे हम जीरो आ गए, तो जीरो वाले को सीधा जीरो में किसी संख्या का गुणा करोगे जीरो ही आएगा, प्लस कर लीजिए। अब दोस्त यहाँ पे कितना है, दो दूना चार दूना आठ हो जाएगा, आठ में एक का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आठ ही हो जाएगा, प्लस करिए। दोस्तों मैंने बोला कि जीरो का गुणा किसी में करिए जीरो ही हो जाएगा, प्लस यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे दो ही होगा हमारा, ठीक है। किसी संख्या पे घात वन है तो ये दो ही हो जाएगा, दो का गुणा एक में करेंगे तो दो ही हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, हमने बोला है किसी संख्या के ऊपर घात जीरो है तो उसका मान एक हो जाएगा, और जब एक का गुणा एक में करेंगे तो एक ही हो जाएगा, ठीक है। तो बत्तीस आठ कितना हो जाएगा चालीस, चालीस दो बयालीस और एक तिरालीस हो जाएगा, ठीक है। तो 43 इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों, ये हमारा डेसिमल में हमारा कन्वर्ट हो चुका है। तो बेसिकली मैं दोस्तों यहाँ पे लिख सकता हूँ अपना आंसर, जो मेरा आंसर हो जाएगा यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 43 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे दोस्तों तो आप लोगों को एग्ज़ाम में पूरा नंबर मिल जाएगा। तो दोस्त अगला कन्वर्जन की तरफ चलते हैं, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करते रहिए, और चैनल को नए चैनल पर नए हैं भाई तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिए आप लोग, ठीक है। हैंग कर रहा है क्या भाई, चलिए यहाँ से ही हम देख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा ये टू था, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा अब हो जाएगा थ्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री देख लीजिए, ठीक। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, जैसे ही हम क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोगों को एक बार प्रैक्टिस भी करना होगा, ताकि आप लोगों का कहीं भी कन्फ्यूजन ना रह जाए। सर वन 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 जीरो जीरो ले लीजिए, इसका भी बता दीजिए, ठीक है। तो दोस्त कोई भी हो जाए, कोई भी कन्वर्जन हो जाए, दुनिया का कोई भी कन्वर्जन आ जाए बाइनरी टू डेसिमल, तो आप लोग कर लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। नेक्स्ट क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे हमें क्या कन्वर्जन करना है, डेसिमल में कन्वर्जन करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, तो सर आपने पहले हमें बताया है कि सबसे पहले आप नंबरिंग कर लीजिए, नंबरिंग हम कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने नंबर हैं इसमें। नहीं सर, पहले आपने बोला था सॉल्व लिख लीजिए, चलिए सॉल्व ही लिख लीजिए, पहले सॉल्व कर लीजिए। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वन 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 कितना है, वन टू थ्री फोर, फोर डबल जीरो है, ठीक है। और यहाँ पे बाइनरी है सर, इसका नंबरिंग करने के लिए बोले थे आप, चलिए हम नंबरिंग भी कर लेते हैं भाई। नंबरिंग क्या हो जाएगी इसकी, तो नंबरिंग यहाँ से लिखेंगे, पहले हमारा जीरो होगा, फिर वन होगा, फिर टू होगा, थ्री होगा, फोर होगा, फाइव, टोटल डिजिट कितने हैं हमारे, सिक्स हैं, लेकिन हमारा नंबरिंग में जीरो भी कंसीडर किया गया है, ठीक है। तो चलिए दोस्त इसको लिखने का आप लोगों को प्रोसीजर मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, आप लोग फटाफट से लिखते चले जाइए। दो का ये हमने बोला है, जो नंबरिंग किए हैं इसको दो के ऊपर रखते चले जाइए, और गुणा कर दीजिए जितना यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। चलिए कैसे मैंने बोला, दो के घात कितना लिख देंगे, पाँच लिख देंगे, इनटू कितना करेंगे, वन कर लेंगे, ठीक है, वन कर लिया, प्लस करिए दोस्तों। दो के घात कितना करेंगे, चार कर लेंगे, इनटू कितना करेंगे दोस्तों, वन कर लेंगे, ठीक है, प्लस करिए, ठीक है। अब दोस्त यहाँ पे देख सकते हैं, दो के ऊपर तीन घात लिखिएगा, इनटू कितना करेंगे, वन करेंगे, ठीक है। तीन तीन स्टेप तक हमने कर लिया, चौथा हमारा क्या हो जाएगा, फिर हमारा दो के घात कितना लिखेंगे दोस्तों, दो लिखेगा, इनटू का कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं वन है, ठीक, प्लस करिए भाई। चलिए दो के ऊपर कितना लिखना है दोस्त, वन लिखना है, इनटू कितने का करना है सर, जीरो करना है, प्लस। अब देखिए दो के ऊपर कितना लिखना है, जीरो लिखना है, इनटू का कितना है, जीरो है। तो दोस्तों फाइनली ये मेरा जो टोटली था ये हमारा कंप्लीट हुआ दोस्त। यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका 32 हो जाएगा, जैसा कि आप लोगों ने देखा, पाँच दो दूना चार दूना आठ दूना सोलह दूना बत्तीस, पाँच बार गुणा करेंगे तो बत्तीस आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, दो दो दूना चार दूना आठ दूना सोलह हो जाएगा, सोलह में एक का गुणा करेंगे सोलह ही होगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, दो दूना चार दूना आठ हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली इसका हमारा आठ हो जाएगा, ठीक है भाई। अब दोस्त यहाँ पे आठ का गुणा एक में कर देंगे तो एक ही होगा, प्लस करिए, यहाँ पे करिए, यहाँ से दो दूना कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा, चार में एक का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, चार ही होगा, ठीक है, प्लस करिए भाई। अब यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मैं बोल दूँ कि जीरो का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे तो उसका मान कितना हो जाएगा, जीरो ही होगा सर, प्लस। इसका मान कितना हो जाएगा सर, आपने बताया किसी संख्या पे घात जीरो है तो उसका मान एक होता है, बट हम एक का गुणा जीरो में कर देंगे तो ये भी मेरा जीरो हो जाएगा। तो फाइनली स्टूडेंट्स मेरा जो आंसर हो जाएगा, यानी इसको जोड़ लेंगे टोटली, तो यहाँ पर हमारा चालीस चार चौवालीस और चौवालीस और सोलह जोड़ लेंगे तो जो हमारा आंसर हो जाएगा, यानी सोलह चार बीस और ये हो जाएगा मेरा चार एक पाँच दो सत्तर, यानी टोटली आंसर जो हो जाएगा हमारा सत्तर आंसर हमारा आ जाएगा दोस्तों डेसिमल में। तो फाइनली जो हमारा आंसर आया है दोस्तों कितना आया है, सत्तर आया है, ठीक है।
कितना है भाई 70 आया है। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी दोस्तों। इसी प्रकार से आप लोगों को कुछ और क्वेश्चंस करने होंगे, ठीक है। चलिए मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल के आप लोगों को मैं बताता हूँ कि किस प्रकार से आप लोगों को और सारे क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। मैं आप लोगों को होमवर्क के रूप में देता हूँ, ठीक है दोस्तों। आप लोग जरूर हमारे व्हाट्सअप नंबर पर सेंड करिएगा, मैं अपना व्हाट्सअप नंबर भी दूंगा। और ये आप लोगों की डेमो क्लासेस चल रही हैं, आप लोगों की जो क्लासेस हैं दोस्तों वो आप लोगों के स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप पे चल रही है, ठीक है दोस्तों। वहाँ पे मैंने बोल दिया है कि आप लोगों का चैप्टर 2 तक कंप्लीट हो चुका है। मैंने बोला क्या, चैप्टर 2 जो है दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। और दोस्तों जैसा कि मैंने बोला था कि यहाँ पे हम आप लोगों को क्या देंगे, डेमो क्लास देंगे। तो जैसा कि पहला हमारा दूसरा डेमो क्लास है दोस्तों, इसमें हम चैप्टर 2 को वहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 3 भी वहाँ पे जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है, बट आप लोगों को जैसे ही डेमो दे दूंगा ताकि आप सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए, इसके बाद हम वहाँ पे क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी स्टडी मेगा पॉइंट की ऑफिशियल ऐप की, वहाँ से जाइए, ऐप को डाउनलोड कीजिए। और ऐप को डाउनलोड करने के बाद अपने क्लास को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। मशीन भी आप लोगों का बहुत ही अच्छे वे में क्लियर हो रहा है दोस्तों, कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स को, और आपको भी किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए दोस्त, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूंगा, तो सर यहाँ पे हमें होमवर्क भी मिलता है क्या? हाँ, सबको ये होमवर्क मिलेगा भाई। क्वेश्चंस हमें कैसे आते हैं ये भी मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ। आप लोगों के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको भी मैं हल कराऊंगा, ठीक। चलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने यहाँ पे आप लोगों को आज बताया है बाइनरी टू डेसिमल का कन्वर्जन, ठीक है। इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे दोस्तों, जो मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ। जैसे मैं बोलूँ 0 1 0 1 1 0, इसका हम ये हमारा बाइनरी है, इसको कन्वर्ट करना है दोस्तों हमें डेसिमल में। तो दोस्तों यहाँ पे डेसिमल क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है 1 1 0 1 1 0, ये हमारा है दोस्तों 2। यहाँ पर मैं बात करूँगा, ये भी हमारा डेसिमल है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर भी हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेता हूँ, तो मैं बात कर लेता हूँ 0 0 1 1 1, ये भी हमारा क्या है, बाइनरी है दोस्तों। बाइनरी को कन्वर्ट करना है हमारा डेसिमल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी बता दीजिए सर, एक क्वेश्चन और 1 1 1 1, ये हो जाएगा मेरा बाइनरी है और इसको कन्वर्ट करना है दोस्तों हमें डेसिमल में। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को प्लीज़ देना है। ऐसा नहीं है कि आप लोग क्वेश्चन तो लिख लेते हैं बट क्वेश्चन का आंसर ना दें हम, ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं करेगा, नहीं सभी पीटे जाएंगे, ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो जाएगा, मैं बोलूँ 1 0 1 0 और ये हो जाएगा मेरा 2, यहाँ से मेरा हो जाएगा, यहाँ से मेरा बाइनरी क्या हो जाएगा, इसको आप सॉरी डेसिमल क्या हो जाएगा बताना है आप लोगों को। तो टोटली मैंने आप लोगों को कितने क्वेश्चन दिया, 5 क्वेश्चन दिया है दोस्तों। इन 5ों क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर देना है। अब दोस्त यहाँ पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप लोगों को थोड़ा लिख लेंगे, और आप लोगों को लिखना है क्या, 95 55 47 60 99, ठीक है। इस नंबर पे आप लोगों को सभी स्टूडेंट्स को व्हाट्सअप कर देना है दोस्तों, या फिर टेलीग्राम चैनल सभी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की भी, सभी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। जो भी स्टूडेंट्स टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है प्लीज़ जाके ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पर हर एक नोटिफिकेशन दी जाती है आप लोगों को, चाहे एग्ज़ाम से पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे फिर आप लोगों का एग्ज़ाम, चाहे फिर आप लोगों का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, या फिर आप लोगों की जो लाइव क्लासेस होने वाली हैं, सारी हम बातें वहां पे ही कर लेते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा दोस्तों, और ये क्वेश्चन को आप लोग प्लीज़ हमारे व्हाट्सअप नंबर पर सेंड करिएगा, हम आप लोगों को सारी क्वेश्चन का आंसर भी बताएंगे। आप लोग अगर आप लोग मतलब नेक्स्ट लेक्चर जब होगा आप लोगों का नेक्स्ट टाइम पर, तो आप लोग अगर क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो आप लोगों का हर एक क्वेश्चन का, हर एक स्टूडेंट्स का नाम भी मैं लूँगा, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स भेजेगा अपना नाम भी बता देगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।